नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी स्थित श्यामला हिल्स पुलिस थाने के प्रांगण में भोपाल पुलिस प्रशासन द्वारा बाल सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि पुलिस प्रशासन व अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम उन बच्चों को केंद्रित करके आयोजित किया गया जो समाज के कई कारणों से वंचित रह जाते हैं। यह कार्यक्रम उन बच्चों को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक तौर से सक्षम बनाने व उनके समग्र विकास हेतु बनाया गया, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास जागे और वे अपना भविष्य निर्माण कर देश की तरक्की में आगे रहे। इसी के साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर ने ड्रग कंट्रोल हेल्पलाइन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह शहर में ड्रग कंट्रोलिंग हेतु शुरू किया जा रहा है, जिसमें सूचनाकर्ता शहर में हो रहे अवैध ड्रग धंधों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वह सटीक जानकारी देने वाले को पुलिस इनाम भी देगी और उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आईडी पे करूंगा अलग से स्टोरी की। हाँ तो कर ले रहा हूँ। यस सर, अभी आप सुन सर, आज का आयोजन मुख्य तौर पर भोपाल पुलिस और विभिन्न एनजीओ, विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के तत्वाधान में आज का एक सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो मुख्य तौर पर उन बच्चों को केंद्रित करके किया गया है जो कई बार कई तरीकों से वंचित हैं और उन्हें किसी हर तरह की मदद की जरूरत थी। इसे मुख्य तौर पे उनका मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत बनाने के लिए जिस तरह की वैधानिक राय और उनको विभिन्न तरह के प्रशिक्षण की जरूरत थी, उन दोनों चीज़ों को इस सृजन संस्था के माध्यम से उन्हें दिया गया। अभी हम लोगों ने बच्चों का विभिन्न कार्यक्रमों में मंचन देखा, उस मंचन से बड़ा स्पष्ट था कि उन बच्चों में एक गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। निश्चित तौर पे यह जो पीढ़ी होती है, हमारी एक बड़ी संवेदनशील उम्र होती है, संवेदनशील आने वाले दिनों में देश का भविष्य है, इसलिए बड़ी आवश्यक है इनको सही तरीके से एक इनके व्यक्तित्व को सृजित करने की जरूरत है और उस कड़ी में एक बड़ा ये प्रयोग था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरे, आज इस कार्यक्रम के साथ साथ मुख्य ड्रग्स को देखते हुए एक भोपाल पुलिस मुख्य तौर पर, खासतौर पर भोपाल कमिश्नर एक बड़ी हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, जिसमें खास तौर पर उस हेल्पलाइन पर ड्रग्स से जुड़े किसी भी मामले को हम उस पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान उसमें गोपनीय रखी जाएगी और साथ ही साथ जो अच्छे, जो सटीक सूचनाएं होंगी उस पर पुलिस उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनका नाम, अगर वो चाहेंगे कि नाम बताया जाए तो ठीक है, अन्यथा उन्हें गोपनीय रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा। यह मुख्य तौर पर पूरे शहर को ड्रग्स फ्री बनाने की दिशा में पुलिस का एक जो अभियान चलेगा, जो पूरी तरह से एक आने वाले दिनों में अंकुश के अंतर्गत एक बड़ा जीरो टॉलरेंस का तरह जो कार्यक्रम चलेगा उसकी दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।